हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग हम डायरेक्ट कार से शूट कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रूनो की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और हम उसे वेट के पास लेके जा रहे हैं। देखते हैं वेट क्या कहता है, हमें भी नहीं पता इसे अचानक क्या हुआ। थोड़ा मसल का ये है, इस मसल का ये है, टक्शन है इस जगह पे। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, जैसे हॉट फर्मेंटेशन होता है ना, हॉट वाटर में बैठ से जैसे इसको मसाज करना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे 30% का है, इनको करेंसी से आप करेंगे ना? ना ना, मतलब क्यों हुआ डॉक्टर साहब ये? एक तो है ये मसल ट्रैक्शन वगैरह क्या होता है कि जैसे कहीं पानी वगैरह में या कहीं स्लिप हो गया या सडन एकदम इम्बैलेंस हो गया, उस टाइम में मसल ट्रैक्शन होता है। एंड फीवर जो है ये दिस इज फॉर द वायरल, क्योंकि जब सडन टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो ये कॉमन है। डॉक्टर कह रहे कि इसे मसल ट्रैक्शन हो गया है जिसकी वजह से ये खड़े नहीं हो पा रहा था घर पे, और हम बहुत डर गए थे। अभी भी आप देखें कि हल्का हल्का यहाँ पर ये कांप रहा है, तो ये मसल ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, और साथ में इसे वायरल फीवर भी हो गया है। तो अभी देखते हैं डॉक्टर और आगे क्या कहते हैं या फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अभी इसे थोड़ा सा वॉक करने के लिए डॉक्टर ने कहा है। घर में तो ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम डर गए थे और तुरंत भाग करके आए हैं। और अभी बोले कि थोड़ा सा अगर चलेगा तो उसके बाद एक इसे इंजेक्शन देंगे जिससे। पापा ये बहुत, हाँ बहुत कसके लग गया इंजेक्शन। डॉक्टर ने इतने अच्छे से इंजेक्शन लगाया, इसे पता ही नहीं चला कि अभी इसे इंजेक्शन लगाने, तो बहुत भागता है इंजेक्शन देखकर ये। तो अभी आधे घंटे के लिए डॉक्टर कहें कि वेट कर लीजिए इंजेक्शन के बाद, फिर इसे एक बार वॉक करा करके देखेंगे कि सब नॉर्मल है कि नहीं। चलो वॉक कर लो ब्रूनो, थोड़ा सा वॉक कर लो। डॉक्टर ने बोला इसे अभी जैसे इंजेक्शन लगाया तो बैठने मत दीजिएगा, वॉक कराते रहिए ताकि ये इस चीज़ को नॉर्मल समझ पाए, क्योंकि ये भी काफ़ी डर गया है। और घर पे तो इसने सच में बहुत डरा दिया था हमें। अभी ये खड़ा है, घर पे जैसे खड़ा कर रहे थे वहीं गिर जा रहा था। और डॉक्टर ने इसे फीवर के भी कुछ मेडिसिन दी हैं, और साथ में मसल ट्रैक्शन के लिए उन्होंने एक ऑयल दिया है जो कि मसाज करना है हमें 2 बार, और साथ में उसके हॉट वाटर बैग से सिकाई भी करनी है, वो भी 2 बार करना है, एक बार सोने के पहले और एक बार मॉर्निंग में। तो अभी हम घर जा कर के ऑलमोस्ट रात के 11 बज गए हैं, तो अभी घर जा कर के एक बार इसकी सिकाई कर देंगे। ब्रूनो ना काफ़ी डर गया है मुझे ऐसा लग रहा है, और वो चल नहीं रहा बिल्कुल, मतलब उसे लग रहा है कि हम उसे फोर्सफुली कुछ करा रहे हैं, तो उसे ऐसा समझ में आ रहा है। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है, ये पता नहीं मतलब ऐसे अचानक से कैसे हो गया। हम घर आ गए हैं और इसका मसाज भी हो गया है, एक बार प्रेम ने मसाज किया, अभी वो हॉट वाटर बैग से उसकी सिकाई कर रहा है। आप देखिए काफ़ी डल सा हो गया है और अंधेरे में रहना चाह रहा, अभी मैंने लाइट ऑन किया है। बहुत ही डरा हुआ सा है, बहुत ही वीक फील कर रहा है, आप भी देख सकते हैं। फीवर भी है इसे, तो फीवर की वजह से भी परेशान है थोड़ा, बट आई होप कि ब्रूनो जल्दी ठीक हो जाए। भाई कौन आ गया, कोई आया क्या? कोई बात नहीं ब्रूनो। हाँ डॉक्टर ने जो भी ब्रूनो को यहाँ मेडिसिन दी थी ना, वो खा नहीं रहा हमसे, मतलब बहुत मुश्किल है इसको मेडिसिन खिलाना, और कुछ खास रिलीफ तो नहीं है, फीवर है अभी भी इसको। तो डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसे हॉस्पिटल वापस से लेकर के आ जाओ, तो यहाँ पे हम उसे वापस से हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकाल लिया इन्होंने, तो
लेकिन ठीक है, एक आध टेस्ट होने हैं तो बस ठीक है, ब्लड निकाल लिया। लेकिन आई होप कि ब्रूनो का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आए और ये जल्दी पहले की तरह हो जाए, जैसे खेलता था, खाता था। खाने के लिए तो बिल्कुल परेशान रहता था। आज संडे है और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कल आएगी, मंडे 11 बजे के आसपास। आई होप सब नॉर्मल हो। हम घर आ गए हैं और ब्रूनो को बिल्कुल रेस्ट करने के लिए बोला है, बिल्कुल दौड़ाए नहीं, यहाँ पे वो सो गया है। बहुत ही वीक लग रहा है, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसे ऐसे देख के, क्योंकि ये बहुत ही चंचल है, बहुत खेलता है, सबके साथ मस्त रहता है, और इस तरीके से ये बीमार पड़ गया ना, बहुत बुरा लग रहा है।